तो हेलो फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है कि आखिर में यूट्यूब कितना सब्सक्राइबर पर पैसा देते हैं। तो दोस्तों, आप सोचते होंगे कि यार जिसका ज्यादा सब्सक्राइबर है उसको ज्यादा पैसा मिलता है और जिसका कम सब्सक्राइबर है उसको कम पैसा मिलता है। तो दोस्तों, यह जो आप सोच रहे हैं तो आप इसको काफी हद तक सही भी सोच रहे हैं और इसको काफी हद तक आप गलत भी सोच रहे हैं। यार अब आप यह सोच रहे हैं कि यार मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि काफी हद तक सही सोच रहे हैं, काफी हद तक आप गलत भी सोच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सभी चीज के बारे में आज बताऊंगा इस वीडियो में कि आपने क्या सही बोला क्या गलत बोला। उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल प्रीतम यादव ऑफिशियल। यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से रख लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितना सब्सक्राइबर पर हमें पैसा मिलता है, यदि आपको पता रहता तो आप इस वीडियो को क्लिक नहीं कर दें। और यदि इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरी जानकारी आप ले लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो और बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। और यदि आप यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किए हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि कब यूट्यूब आपको पैसा देता है और कब आपको पैसा मिलना जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज दोस्त, इतना तो आपको जरूरी पता होगा कि आपको पैसा मिलता तभी है जब आपका चैनल जो है वह मोनेटाइजेशन होता है। और YouTube चैनल मोनेटाइजेशन तभी होता है जब आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम पूरा होता है। और साथ में ही 2022 में एक न्यू अपडेट आया है, यदि आपके शॉर्ट वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं यानी कि 1 करोड़ व्यूज आ जाते हैं सभी शॉर्ट वीडियो को यदि काउंट करता है, उसमें यदि 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ व्यूज आ जाता है तो आप फिर भी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत ही बिग न्यूज था 2022 का यूट्यूब के तरफ से। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर में यूट्यूब कितना सब्सक्राइबर पर पैसा देता है, तो दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूट्यूब पे आपको जो है सब्सक्राइबर का पैसा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपको YouTube पे आपको सब्सक्राइबर पर पैसा नहीं मिलता है। और आप यह सोच रहे हैं कि आखिर में YouTube पैसा कब देता है और फिर पैसा देता भी है तो वह पैसा कैसे देता है ना फ्रेंड, यह डिपेंड करता है आपके YouTube के वीडियोस पे। यदि आपका व्यूज ज्यादा आता वीडियोस पे तो आपका जो अर्निंग ज्यादा होगा, और यदि आपके वीडियोस पे व्यू कम आता है तो आपका अर्निंग कम होगा। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं कि ज्यादा व्यू पे ज्यादा पैसा कैसे मिलता है और कम व्यू पे कम पैसा कैसे मिलता है। लेकिन एक चीज तो दोस्तों आपको पता है कि आपको पैसा कमाने के लिए आपके चैनल को मोनेटाइजेशन होना है। जब आपका चैनल जो है यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है तो आपके वीडियोस पे एड आना स्टार्ट हो जाता है। अरे यार आप बोलोगे एड तो ऐसे भी आ रहा है, लेकिन दोस्तों यदि आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है और आपके वीडियोस पे एड आ रहा है, अभी तो सबके वीडियोस पे एड आ रहा है, तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन नहीं हो जाता है। और जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है तो वीडियोस पे एड आने लगता है। और दोस्तों, आपका ज्यादा वीडियो यदि वायरल हो रहा है या फिर ज्यादा व्यूज आ रहा है, और जब आपके वीडियोस पे ज्यादा व्यू आने लगेगा तो लोग ज्यादा वीडियोस देख रहे हैं, ज्यादा एड आ रहे हैं आपके उस वीडियोस पे, तो उस वीडियोस से आपका जो अर्न है काफी ज्यादा होगा। और जिस वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहे हैं तो उस वीडियोस पे भी एड नहीं चलेगा, इसलिए उस वीडियोस से आपको कम अर्न होगा। डिपेंड करता है दोस्तों आपके वीडियोस के व्यूज पे, यदि आपका व्यूज ज्यादा जाएगा तो आपको ज्यादा अर्न होगा, और यदि आपका व्यूज कम जा रहा है तो आपको जो अर्न भी कम होगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब आपके एड्स पे पैसा देता है। यदि आपका एड्स ज्यादा चलेगा, ज्यादा तभी चलेगा ना जब कोई ज्यादा आपको वीडियोस देखेगा, है ना। और यदि आपके वीडियोस को कम देख रहा है, ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, तो आपका अर्न भी बहुत ज्यादा कम होगा। दोस्तों इस वीडियो से आपका एक डाउट तो क्लियर हो जाना चाहिए कि YouTube कभी भी आपके सब्सक्राइबर पे पैसा नहीं देता है। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं 1000 पे कितना पैसा मिलता है, 1 लाख पे कितना मिलता है, 50000 सब्सक्राइबर पे कितना पैसा मिलता है, ये पूरा चीज फ्रॉड है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको जो है सब्सक्राइबर पर पैसा कभी भी नहीं मिलता है, आपको पैसा तभी मिलता है जब आपके वीडियोस में व्यूज आता है, एड चलता है, ज्यादा व्यूज ज्यादा अर्निंग, कम व्यूज कम अर्निंग। इसमें भी एक बात यह है कि यदि आपका सब्सक्राइबर ज्यादा है, मान के चलिए किसी का 20000 सब्सक्राइबर है, उसका 2 से 3 हजार लोग देख रहे हैं उसका वीडियोस को, तो उसका अर्निंग ज्यादा होगा। और किसी का 10000 सब्सक्राइबर, उसका 1000 1500 आदमी देख रहा है, तो उसका वैसे भी कम होगा। तो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि आपका ज्यादा सब्सक्राइबर है तो आपको ज्यादा अर्निंग होगा, और यदि आपका कम सब्सक्राइबर है तो कम अर्निंग होगा। यह आपके माइंड में बिठाना है दोस्तों कि आखिर में अर्निंग कहां से होता है, कहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो यह जो आपको बोला जाता है कि इतना सब्सक्राइबर पे इतना पैसा मिलता है, यह चीज कुछ भी चीज नहीं है, आपका जो व्यूज है व्यूज पे ही पैसा आपको मिलेगा। फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर में पैसा YouTube कहां से देता है और हम YouTube से पैसा कैसे कमा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस सबसे पहले आप तक
पहुंच पाए। और यदि कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो जरूर से कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर ही करूंगा। बस आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।